पूरा मामला, किस लिए आए हैं? मामला है कि एक यूपी के अंदर एक बाबा होते हैं मुन्नी करके, आपने देखा भी होगा न्यूज़ के अंदर, जो कि एक कॉल देते हैं मुस्लिम महिलाओं के रेप थ्रेट करते हैं ओपनली, और उनके साथ में पुलिस भी खड़ी होती है जो कि उनको कोऑपरेट कर रही होती है, जो कि एक डेमोक्रेटिक देश में जिसमें सबको अपने बात रखने का अधिकार है उसमें भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि हमारे मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ जो इतने सालों से इतने दिनों से हिंसा होती आई 2014 के बाद से, और उसको एक बढ़ावा मिलता जाए दिन पर दिन उत्तर प्रदेश में, जो कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम उसकी सरकार है, पुलिस की सरकार है, सुशासन की सरकार है, वो ऐसे उनकी सरकार में ही ऐसे बाबा लोग एक ऐसे भाषण देते हैं जिसके अंदर कि मुस्लिम मूवमेंट को थ्रेट किया जाता है, रेप थ्रेट किया जाता है, और कोई पुलिस वाले ना उनके FIR होती है ना कोई केस होता है, ये कैसा सुशासन है? योगी सरकार क्या जवाब देगी इसके बारे में? लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि बयानबाजी कोई और करता है तो फिर बीजेपी से क्यों उसको जोड़ दिया जाता है? एक बात बताइए, अगर बीजेपी से क्यों जोड़, एक बात बताइए मोदी सरकार कौन सी उससे है, RSS से है, योगी किससे है, हिंदू महासभा से है, और ये किससे है, ये जो बाबा बोले या तीन नरसिंहानंद किससे जो गाजियाबाद से जो बच्चे को मारते हैं वो किससे है, सब हिंदू महासभा से है। बीजेपी सपोर्ट करिए, अगर बीजेपी इनका FIR करती तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बीजेपी इनको सपोर्ट करती है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, उनको जेलों में गई, जेलों में किन को गई थी? अब CA का आंदोलन देखिए, UAP किन लोगों पर लगा? उमर खालिद पर लगा, सईद इमाम पर लगा। उमर खालिद वो इंसान है जो कि बात करता है कि हम नफरत का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम प्यार से देंगे, हम लाठी का जवाब लाठी से नहीं देंगे, हम तिरंगा फैलाएंगे, उसकी बात करता हूँ मैं खाली, और आज वो जेल में है, और ऐसे लोग जो कि थ्रेट करते हैं मुस्लिम वूमेन को, वो आज खुले घूम रहे हैं। लेकिन केस तो दर्ज हो गया है फिर भी कर रहे हैं आप? केस दर्ज, जेल कौन गया, बाहर आके वो अब भी एक तरह से इंडायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं, केस होना भी एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो अभी ठेठ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो अब तक जेल में भेजना चाहिए, लेकिन अभी वो भाग घूम, जांच कर रही है पूरी तरीके से, पूरी मामलों का संज्ञान लिया गया है, जांच पड़ताल। पुलिस तो यति नरसिंहानंद पे भी हुई थी, लेकिन वो क्या है, आज वो जेल से बाहर है, क्यों? जबकि वो इतना धर्म संसद करते हैं, जंतर मंतर पे धर्म संसद होती है, तब कहाँ पे होती है? आज वो सब बाहर, लेकिन ऐसे लोग जो नफरत के जवाब प्यास देने की बात करते हैं वो जेल में है, जबकि उन पर आज तक कोर्ट ट्रायल स्टार्ट नहीं कर पाई है। तो महिलाओं के खिलाफ इस तरीके से जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे क्या समझ में आता है? कि ये मानसिकता एक पर्टिकुलर धर्म की, पर्टिकुलर की वुमेनों को थ्रेट करना कि आप मतलब उनको ये बताना कि आप इस देश के नहीं हैं, आप जैसे जर्मनी में हुआ था ज्यूस महिलाओं के साथ क्या हुआ था, युद्ध में क्या होता है महिलाओं के साथ, उनको वो किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, वही अब इंडिया में एक तरह जो जर्मनी में दोहराया है ज्यूस ने, हिटलर के समय ज्यूस के साथ किया, वो फिर किया जा रहा है इंडिया के अंदर भी। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है आज का? हमारे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में आपने भी बैनर ले रखा है, हमारा यही है कि उनके खिलाफ केस हो, ऐसे बाबों के खिलाफ केस हो, उनको जेलों में भेजा जाए, ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है जो कि समाज के अंदर झाई फैलाते हैं। लगता न्याय मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लगता तो नहीं है, आजकल उम्मीद कम है कोर्ट से भी, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, हमारे हक के हमारे डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने, ऐसे लोगों के खिलाफ वो हम करेंगे। बाबा होकर के ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं, बाबा होकर के भगवा चोला पहन करके इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, तो कितना सही लगता है? बिल्कुल सही नहीं लगता, समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसे लोग। सर सबसे बड़ी बात तो यही है कि ऐसे लोग समाज में एक्सेप्टेबल कैसे हैं? आप इनके बाद समाज में बात करना स्टार्ट कीजिए, आपको 4 लोग सपोर्ट करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन एक्सेप्टेबल क्यों है ऐसे लोग, क्यों है? जबकि ये ऐसे हिंसा फैलाने वाले मानसिकता रखते हैं जो कि समाज के अंदर दो धर्मों के बीच का गैप को बड़ा करते हैं, क्यों ऐसे लोग समाज में अभी घूम रहे हैं? चलिए ओके।